जबलपुरा के इलाके में ट्राली ने मियां बीवी और बच्चे को कुचल दिया। हादसे में मां आयशा और 4 साल बेटा मोइस जांबहक हो गया। शौहर अब्बास अली जख्मी हो गया। शालीमार अस्पताल इंतजामिया ने खातून बच्चे की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने हेल्पर को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहर में बच्चों के अगवा का सिलसिला रुक न सका। गुलशन इकबाल पार्क से 5 साल बच्चा अगवा, वाकये की सीसीटीवी फुटेज। लाहौर न्यूज को मौसूल बुरका में मलबूस खातून, दिन दहाड़े 5 साल साथ को अगवा करके ले गई। पुलिस ताहाल बच्चे को बाजियाब न करवा सकी। थाना गाजियाबाद के इलाके ताजपुरा में लड़ाई झगड़ा, राणा ग्रुप की अमजद अली नामी शख्स पर फायरिंग। 2 बच्चों समेत 4 अफराद फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी। 5 साल आजम और सहर, 20 साल कादिर अली, 23 साल अख्तर को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद बढ़ाने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस्तेहकाक कमेटी के अरकान की तादाद 14 से 17 करने पर गौर। दीगर कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 11 करने का फैसला। मुजवजा तरामीम असम्बली के आज होने वाले इजलास के एजेंडे पर मौजूद। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ्त। प्रोडक्शन ऑर्डर के इख्तियार की तरमीम आज असम्बली में पेश की जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर तय। हुकूमत और अपोजिशन कायमा कमेटियों के मामले पर बुध के रोज बैठक करेंगे। हमजा शहबाज को पीएसी की चेयरमैनशिप देने का मामला जेरे गौर आएगा। जनूबी पंजाब के लिए मिनी सिविल सेक्रेटेरिएट के क्याम का मामला। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद फंड्स भी तजवीज़। 50,08,62,000 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 23,90,00,000। कोऑपरेटिव अखराजात के लिए 21,18,00,000 मुख्तस करने की तजवीज़। अफसरान के लिए 1300 सीसी 8 गाड़ियाँ और 1000 सीसी 13 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए PND बोर्ड तश्कील। हुकूमत 6 माह में 3 बजट पेश करेगी तो सरमायाकारी कैसे होगी। हुकूमती पॉलिसियों के बायस मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। नून लीग ने अगर कर्ज लिया तो वो हराम है, हुकूमत ने कर्ज लिया तो वो हलाल। आसिफ जरदारी ने जिस फॉरम पर नाअहल होना था वहां से दरखास्त वापस क्यों ली गई। रहनुमा नून लीग मुसद्दक मलिक का सवाल, बोले कोई अन्नारो नहीं हो रहा। नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान राबते की कोशिश नहीं की। रहनुमा नून लीग मुफ्ता इस्माइल की भी मुखालफीन पर वार, बोले अगर किसी ने NRO मांगा है तो नाम बता दें। वजीर आजम समेत किसी शख्स के पास NRO देने का इख्तियार नहीं। PTI की हुकूमत आने से महंगाई में इजाफा हो गया। पहले भी कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ का सियासी खात्मा हो चुका है, हमने कुछ नहीं किया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी सियासी कब्र खुद खोदी है। पहले हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने की जानिब थी। इमरान खान का सियासी नहीं बल्कि एक सामाजिक विजन है। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जनवरी को नए बजट में मुस्तहकम मुआशी पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर शदीद तनकीद, अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तमाम अजला के सेक्रेटरी अतलात का इजलास। सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं तहरीक इंसाफ ने मुल्क को छांगा मांगा बना रखा है, इमरान खान ने पूरी कौम को मांगत बना दिया। पीपी रहनुमाओं ने रवा माली साल के 3रे बजट पर भी U-turn की पेशगोई कर दी। पार्लियामानी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर आएं। फौजी अदालतों को तौसीन ना मिली तो दहशतगर्दी पलट आएगी। अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की खैबर पख्तूनख्वा और लॉयर सिंध की तंजीमों के कारकुनों से गुफ्तगू।
इमरान खान के सिपाही की हैसियत से ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का मुकाबला करता रहूंगा। झूठे प्रोपेगेंडे और खबरों के पीछे आले शरीफ और आले जरदारी का हाथ है, इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर दम लूंगा। सुबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात, महकमा इत्तलात और सकाफत में बेहतरी के लिए मुमकिन इकदाम पर गौर किया गया। वजीर आला की सुबाई वजीर को इलाकाई कल्चर, मौसीकी और थिएटर को प्रमोट करने की हिदायत। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के माहिरीन के लिए खुशखबरी, वजीर आला का पे स्केल और अलाउंस देने की मंजूरी का ऐलान। जूनियर साइंटिस्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी। वजीर आला की जानिब से डीजी फॉरेंसिक एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर की फॉरेन टूर की मंजूरी का इख्तियार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को दे दिया गया। पंजाब काबीना के मुतअद्दिद वज़रा के लिए खतरे की घंटी, तमाम वज़रा की कारकर्दगी के हतमी मरहले की मॉनिटरिंग शुरू। नाकिस कारकर्दगी पर वज़रा से अहम वजारतों के कलमदान वापस ले लिए जाएंगे। कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करके इनसे हतमी मंजूरी ली जाएगी। आमदन से जायद असासाजात का केस शरीफ खानदान के खिलाफ, एक और केस की तैयारी शुरू। हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। बाकमाल लोगों का लाजवाब कारनामा, पीआईए इंतजामिया का भी यूटर्न। फजाई मेजबानों को बंद लोडर सर्विस को नए नाम से शुरू करने का फैसला। सामान उठाने के लिए असिस्टेंट फराहम किया जाएगा। असिस्टेंट फजाई मेजबानों को आमद और रवानगी के वक्त एफआईए इमिग्रेशन से क्लियरेंस भी कराएंगे। लाहौर एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर तारिक मजीद ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। पीएमएस एसोसिएशन के इंतखाबात ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन ग्रुप ने 36 वोटों से मैदान मार लिया। नवीद शहजाद मिर्जा पीएमएस एसोसिएशन पंजाब के सदर मुंतखिब, अब्दुल रऊफ जनरल सेक्रेटरी, सोहेल शहजाद सीनियर नायब सदर, हसन गुल सेक्रेटरी फाइनेंस बन गए। नौ मुंतखिब सदर नवीद शहजाद ने पीएमएस अफसरों की आवाज हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने का अज़्म जाहिर किया। सीवरेज के अबतर इंतजाम, उबलते गटर और कूड़ा करकट में सांस लेना मुहाल। बागड़िया चौक की नवाज कॉलोनी के मकीनों को गंदगी के अजाब का सामना। इलाके की अबतर सूरत हाल ने क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम पर भी सवालिया निशान उठा दिए। मिशन क्लीन लाहौर फेज टू, बादामी बाग, सब्जी मंडी, मुल्तान रोड और कहना काछा मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। मुल्तान रोड मंडी से चार किनाल सरकारी एराजी बागुजार, बादामी बाग मंडी की राहदारियों से 100 थड़े और 10 खोखे मिसमार। कहना मंडी में दौरान ऑपरेशन 200 थड़े और 20 खोखे गिरा दिए गए। सिंहपुरा मंडी और रायवंड सब्जी मंडी में ऑपरेशन आइंदा 2 रोज से 3 रोज में किए जाने का इम्कान है। शहर में एलपीजी माफिया बेकाबू, माफिया ब्लैक में 150 रुपए फी किलो एलपीजी फरोख्त करने लगा। इंतजामिया माफिया के आगे बेबस, ओगरा ने एलपीजी की कीमत 115 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गैस की बंदिश भी जारी। शहरियों ने मामूलात जिंदगी चलाने के लिए सुई गैस का मुतबादल ढूंढ निकाला। घरों के चूल्हे चलाने के लिए शहरी महंगी लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से कीमत में कमी करने का मुतालबा कर दिया। पांच हजार से ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूलों की फीसों में कमी का मामला, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से पब्लिक नोटिस जारी। 31 जनवरी तक फीसों में कमी करने के अहकाम जारी कर दिए। 6 से 8% तक इजाफे के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से इजाजत लेना लाजमी करार। प्राइमरी और मिडिल के इम्तहानात का मामला, सुपरवाइजरी स्टाफ की तरबियती सेशंस में शिरकत लाजमी करार। इम्तहानात के लिए मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत 21 जनवरी से शुरू होगी। लाहौर में 504 सेंटर्स कायम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को मरासला जारी। साथ
पाकिस्तान ग्रीन ने इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा अपने नाम कर लिया। पंजाबियों की शान, पंजाब के माथे के झूमर, कबड्डी का शानदार मुजाहिरा। फाइनल में भारतीय सूरमाओं को पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मात दे दी। पाकिस्तानी टीम ने भारत के 29 के मुकाबले में 40 पॉइंट्स हासिल किए। पंजाब स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद, कबड्डी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दोनों टीमों की जानिब से रवायती खेल पेश करने के दिलचस्प मनाजिर, कैंची ढाक मारने, जफ्फा लगाने और कलाई की पकड़ाई से दबोचने के शानदार मुजाहिरे, रेडर और स्टॉपर के दरमियान पकड़ने और भागने की कशमकश, मुनफरिद दाव पेच, फुर्तियों के नजारों से शायकी नशक उठे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, मियाँ असलम इकबाल और तैमूर भट्टी भी मौजूद रहे। मैच के आगाज पर अकरम राही के गीत ने रंग जमा दिया। वक्फे के दौरान फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस, ढोल की थाप पर हर तरफ पंजाब सकाफत के रंग। अहले लाहौर ने माहौल और मैच से खूब लुत्फ उठाया। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान वाइट्स ने ईरान की टीम को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वाइट्स ने 24 के मुकाबले में 31 पॉइंट से फतह समेटी। ईरानी टीम को बग्घियों पर बिठाकर ग्राउंड का चक्कर लगवाया गया। आईटी यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम अलहमरा हॉल में थिंक फेस्टिवल का दूसरा रोज, मुल्की और गैर मुल्की मोटिवेशनल स्पीकर्स की शिरकत। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी भी शरीक। फेस्टिवल में किताबों के मुतअद्दिद स्टॉल्स भी लगाए गए। खवातीन को बाख्तियार और मजबूत बनाने के लिए ओवरी फ्लेम कंपनी की काविशें। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में कॉन्फ्रेंस का अहतमाम। सीनियर गोल्ड डायरेक्टर हुमैरा कामरान, अंबर फारूकी, निगहत जाफरी और दीगर की शिरकत। म्यूजिक परफॉर्मेंस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। खवातीन में इनामात भी तकसीम। सलामतपुरा में मार्शल आर्ट सेंटर में जूडो कराटे के मुकाबले। नन्हे मुन्ने बच्चों ने जूडो कराटे में अपनी महारत दिखाकर खूब दाद समेटी। कॉर्पोरेट सेक्टर के मुलाजमीन खेलों में भी पेश। डेस्कोन सुपर टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले। डेयर ड्यूवल और सुल्तान की टीमों ने फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। फाइनल फरवरी में खेला जाएगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राना अब्दुल शकूर के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, अरकान असेंबली मलिक रशीद अहमद खान, मलिक करामत खोकर, मलिक मुख्तार अहमद, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार एहसन भवन, सदर हाईकोर्ट लाहौर हाईकोर्ट बार नूर समंद खान, हफीजुररहमान चौधरी और दीगर की शिरकत। और हफीज जलंधरी का 118वां यौम पैदाइश। कौमी तराने के खालिक और नामवर शायर बुअल असर हफीज जलंधरी का 118वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। हफीज जलंधरी 14 जनवरी 1900 को हिंदुस्तान के शहर जलंधर में पैदा हुए। हफीज जलंधरी उर्दू के नामवर शायर और अफसाना निगार थे, जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक की हैसियत से शोहरत हासिल की।